गिरफ बार चीटिंग करता है तो चीटिंग, चीटिंग 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 करता है तो ओके सो सो वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को जो दिमित्री कैरेक्टर दिया था उसमें इस कैरेक्टर की एबिलिटी बताया था लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को इस कैरेक्टर का हिडन एबिलिटी बताऊंगा मतलब ऐसी चीज जो कि आप लोगों को पता नहीं है नॉर्मली आपके दिमाग के सारे क्वेश्चन के डाउट एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अब में से कई बंदे कई सारे चीज सोच रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद दिमित्री कैटर के सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और सो यहां पे बहुत सारे हिडन एबिलिटी मैंने कवर किया है और बहुत सारे इसके अलग-अलग चीज जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा सो यहां पे सिंपल सी ने कि यहां पे इसकी एबिलिटी है कि हाईएस्ट लेवल पे ये 45 एचपी देता है 3 एचपी पर सेकंड 15 सेकंड तक हाईएस्ट एबिलिटी के साथ और फर्स्ट लेवल पे ये तीस एचपी दस सेकेंड तक यानी यानी और इसकी पीडिचन टाइम पे बाद दोबारा कर सकते हो और लेवल पे में दोबारा कर सकते हो बट सिंपल सीन है इसके बाद एबिलिटी है जिससे कि आप अपने आपको ऑटो रिवाइव कर सकते हो मतलब सेल्फ कर सकते हो सेल्फ रिवाइव देखो सबसे पहले इसकी एबिलिटी नॉर्मल आप लोग को पता है एचपी है और ये चीज मैंने आपको बता रखा है कि की तरह आप इसको यूज कर सकते हो आलोक को पचास एच पी मिलता है तो इसको पैंतालीस एच मिलता है ठीक है तो इतना ही डिफरेंस है बट यहां पे इसकी एक सिकेंड एबिलिटी है और यहीं से होता है कहानी शुरू एंड उसके बाद में आप सभी को इसका हिडन एबिलिटी बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपका दिमाग एकदम से भाई खुले के खुले रह जाएंगे अब देखो यहाँ पे सिकेंड जो इसकी एबिलिटी है वो सिंपल एकदम कि अगर मान लो कोई बंदा आपको नॉक करता है एंड आपकी एक्टिव स्किल ऑन हो देन आपको मिलेंगे ऑटो रिवाइव यानी सेल्फ रिकवर अब देखना यहाँ पे सीन क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे हम होंगे नॉक ठीक है और एक्टिव स्किल को ऑन रखने के बाद नॉक होंगे एंड देन देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है तो यहाँ पे हमने एक्टिव स्किल ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम होने वाले नॉक हमको मिलता है सेल्फ रिकवर का ऑप्शन एंड भाई सब अपन, मतलब हम सेल्फ रिकवर हो जाते हैं और ये चीज़ तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा था पिछले वीडियो में लेकिन अब से यहां से अलग वीडियो है देखो सीन क्या है यहां से मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं मान लो ऐसा होता है कि आपके टीममेट को कोई नॉक कर देता है तो क्या आपके जो एबिलिटी है उससे आपका टीम रिकवर हो सकता है अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो आप बोलोगे फैक्टो ये कैसे होगा मतलब सिंपल है अगर आपके पास यहाँ पे दिमित्री कैरेक्टर है और आपका टीम नॉक है तो जस्ट आप उसको रिवाइव मत नहीं भी करते हो जस्ट एबिलिटी खुद के ऑन कर दोगे ना भाई उसी समय वो सेल्फ रिकवर उसको मिल जाएगा जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक्टिव स्किल ऑन

कि आपके एबिलिटी के सर्कल में आते ही आपका टीममेट भी रिवाइव हो सकता है अगर आपका टीममेट नॉक हो और एचपी भी ले सकता है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा टीममेट मेट यहाँ पे जा रहा था जाने के बाद क्या उनको सेल्फ रिकवर का ऑप्शन मिलता है हाँ यस यहाँ पे मिल चुका है सो यहाँ पे सेल्फ रिकवर का ऑप्शन आसानी से मिल जाता है आपके टीम को भी तो सो यहाँ पर मतलब समझ सकते हो भाई मतलब क्रोनो वाले भाई सब ने भी रिवाइव कर लिया डिमित्री की एबिलिटी यूज करके उसके बाद आपका टीममेट आपके सर्कल से एस पी ले सकता है तो इसके भी आंसर है यस लेकिन आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मान लो हम सोलो प्ले कर रहे हैं और हमारा हम नॉक होते तो क्या हम ऑटो रिवाइव हो सकते हैं यानी सेल्फ रिवाइव हो सकते हैं देखो यहाँ पे सिंपल है हमारा टीम मेट नॉक था और हमने अपने एबिलिटी को ऑन किया लेकिन हमें नहीं मिला सेल्फ रिकवर का ऑप्शन सो मतलब इस कैरेक्टर की बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि आप सोलो कर रहते हो तो भाई साहब इसकी एबिलिटी सेल्फ रिकवर वाला कोई काम का नहीं है या आपके तीन बंदे नॉक है और आप चौथे बंदे हो और आप 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 भी हैं तो भी नॉक होते तो कोई सेल्फ रिकवर काम नहीं आएगा दो बंदे हो आपका एक में नॉक है फिर भी यह सेल्फ रिकवर काम नहीं आएगा मतलब सिंपल सीन है भाई उतने कोई खास तो है नहीं मतलब सेल्फ रिकवर उतने खास नहीं जितना सब बताया जा रहा है मतलब सिंपल है ना भाई ना सोलो में काम आएगा ना आप लास्ट वजिशन में रहोगे मतलब आपके टीम मेट नॉक रहेंगे तीन बंदे और उसके बाद आपको कोई नॉक करे फिर भी आपको सेल्फ रिकवर का ऑप्शन नहीं है आप डुओ भी के एक बंदा आपका नॉक है फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मिला सेल्फ रिकवर का तो भाई इस कैरेक्टर की नेगेटिव पॉइंट है सो सिंपल है इस यह कैरेक्टर आपको कभी कभी काम आएगा कभी कभी बाकी यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि एकदम भाई ओपी कैरेक्टर है सो इतना भी ज्यादा ओपी नहीं है बट आप नीचे कमेंट करके आप बता रहे हैं कि आपको यह कैरेक्टर कैसा लगा तब तक ले तो गुड बाय एंड टेक केयर